हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज पत्र सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, उसमें से 24,598 एक अभ्यर्थी को छोड़ दीजिए, उन उतने लोगों का मेरिट लिस्ट जारी हुआ। अप्रोक्स 90% कैंडिडेट्स जो हैं, जो STET क्वालिफाइड थे 12 मार्च वाले जो रिजल्ट में, उसमें से 21 जो जून वाला जो रिजल्ट है उसमें अप्रोक्स 90% कैंडिडेट बाहर होगा। 21 जून को जो 2021 में रिजल्ट दिया गया है, मेरिट दिया गया है, उसमें 80% लड़के 12 मार्च वाले नहीं है। नमस्कार, दनीज पत के साथ मैं नरेंद्र बसंत, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, बिहार में खासकर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितना भ्रष्टाचार फैला है, इस बात का सबूत है। आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और अब फिलहाल अभी हम जहां पर खड़े हैं ये बक्सर ज़िले का अतिथि गृह है, मतलब सर्किट हाउस है, और यहाँ पर जो है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए ये शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं विधायक जी से मिलने के लिए आए थे। विधायक जी का कुछ कहे ये पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का क्या मानसा है और किस कारण से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आइए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं कि इतने परेशान क्यों है। सर, क्या मामला है आप लोग? ये शिक्षक भर्ती जो है STET 2019 से मामला है, जो कि इसका प्रथम जो परीक्षा हुआ था 28 जनवरी 2020 को हुआ था, जिसका जो परीक्षा हुआ था उसको फिर कैंसिल कर दिया गया, फिर दोबारा परीक्षा जो हुआ 18 से लेकर के 21 अगस्त को हुआ 2020 में, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद। उसके बाद ये ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया 12 मार्च 2021 को, जिसमें से 15 विषय, टोटल कुल विषय की संख्या थी 15, जिसमें से 12 विषयों का रिजल्ट घोषित हुआ 12 मार्च 2021 को। टोटल सीट जो था 30,000 का लमसम जो सीट था, उसमें से मात्र 24,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, यानी कि 30,000 में से मात्र 24,599 उसमें आप लोग भी थे जी, उसमें चयन हुआ, क्वालिफाई हुए। कहा गया कि जितने सीट थे उससे कम अभ्यर्थियों का चयन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो आता है मामला 21 जून को, यानी कि 2-3 दिन पहले, बाकी के जो 3 विषय थे उसका भी रिजल्ट घोषित हुआ। साथ में ये भी आया कि जो पहले जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट थे उनमें से, यानी कि 24,599 जो अभ्यर्थी थे क्वालिफाइड, उसमें से 24,598 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट बना। बात समझिएगा, 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, उसमें से 24,598 एक अभ्यर्थी को छोड़ दीजिए, उन उतने लोगों का मेरिट लिस्ट जारी हुआ, यानी एक लड़का मात्र बाहर हुआ, ठीक है। ये टोटल 12 सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, ठीक है, जिसमें से पेपर 1 के लिए था, पेपर 2 के लिए 8531 था। जब मेरा सवाल ये है, और उसमें से हम लोग को बाहर कर दिया गया। अप्रोक्स 90% कैंडिडेट्स जो हैं, जो STET क्वालिफाइड थे 12 मार्च वाले जो रिजल्ट में, उसमें से 21 जो जून वाला जो रिजल्ट है उसमें अप्रोक्स 90% कैंडिडेट बाहर होगा। ओके सर, वही तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ आसमान से आए क्या। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि 24,598 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट बना, 24,599 कैंडिडेट में से, यानी हम सभी को होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए था जी, जी बिल्कुल, पर हम लोग आउट ऑफ मेरिट हैं। तो आपके सरकार के आंकड़े पर संदेह है जी? बिल्कुल, ये बिल्कुल यहाँ पे ये मतलब टेरिफाई सरकार को देना चाहिए कि देखो बाबू, आखिर वस्तु स्थिति ये है, ये चीज ऐसा ऐसा हुआ है, क्लेरिफाई इसको पारदर्शिता, एकदम पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने देना चाहिए। बिहार की शिक्षा बदहाली की बात करें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जब तक ले कोई आंदोलन नहीं होते तब तक ले कुछ व्यवस्था ठीक नहीं होती है। फिलहाल ये राजेंद्र सर हैं और काफ़ी शिक्षक संघ को आगे लेकर काम करते हैं। सर, आप लोग किस कारण से यहाँ पर? बिहार का एक किस्सा सुने होंगे कि खेत खाए जुल्हा पिटाते हैं गधा, वही हाल बिहार के आजकल जो
रोजगार सृजन के लिए जो सरकार बात करती है युवाओं का वही हाल है। हम लोग का मैटर ये है कि एसटीईटी परीक्षा के लिए जो फॉर्म निकला हुआ था 2019 का विज्ञापन के हिसाब से हम लोग परीक्षा दिए और परीक्षा का रिजल्ट भी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया 12 मार्च 2021 को परीक्षा प्रमाण घोषित किया गया। और इस शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट घोषित करते हुए कहा कि जितने सीट है वैकेंसी के लिए उतने ही लोगों को रिजल्ट दी गई है और 24,598 लोग जो पास हुए हैं इनकी नौकरी पक्की है, इनकी नौकरी पक्की है। और ये सभी लोगों को कुछ ही दिनों के बाद 3 विषय जो बचा हुआ है उसके रिजल्ट करने के बाद सबकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और आपको आज से 2 रोज पहले जब रिजल्ट 3 विषय का आया हुआ है उन 3 विषय के साथ में मेरिट एक दे दिया है बिहार सरकार के द्वारा। इस मेरिट में दांदली क्या है कि 24,598 जो कि मेरे साथी बताए जितने पास अभ्यर्थी थे उतने ही का मेरिट में रखा गया है, जिसमें 80% लड़के उस मेरिट में पास नहीं है जो 12 मार्च को जो पास हुए थे। अब ये 80% लड़के को कहाँ से लाए हैं ये बिहार सरकार से हम लोग का पहला मांग है कि ये लड़के आए कहाँ से, जो सब लोग मतलब बाहरी कर दिए हैं आउट मेरिट कर दिए हैं तो इन मेरिट कहाँ से किए, ये तो माल पर अपने किए होंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लड़कों को ऐसे देखा जा रहा है कि कट ऑफ पास करने के बाद भी उनका मतलब 85, 86 का नहीं हुआ है 83 का हो गया है, सेम स्थिति उसके है, कैटेगरी भी वही है, उनका एबिलिटी भी वही है, इस बेस पर भी आपने किया हुआ है और फिर आप कह रहे हैं कि हम मेरिट के आधार पर मतलब इसको करेंगे, तो ये बिहार सरकार नहीं बता रहे, शिक्षा मंत्री कम से कम 4 वर्ष मुद्दे को बोल चुके हैं, उसके लाइव आपके वीडियो भी है, पेपर सारा हेडलाइन टीवी का भी था कि सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी। और बिहार सरकार के सभी जितने बोर्ड से संबंधित हैं चाहे आनंद किशोर जी हैं या रंजीत जी हैं या संजय कुमार जी, सभी लोगों ने इस बात को जाहिर कर दिया था कि उतने ही रिजल्ट दी गई है, जितना सीटें हैं सबकी नियुक्ति पक्की है, फिर इसमें 80% लड़के कहाँ से लाए हैं ये हम लोग को जानने के लिए हम अभी बक्सर के सदर विधायक मनानिया से मिले और तमाम जनप्रतिनिधियों से हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार के पास पहुंचाने के लिए और सरकार से भी मांग करते हैं, शिक्षा मंत्री से ये मांग करते हैं कि बिहार के शिक्षा बदहाली को आप जब पैसे पर आप अंदर रखिएगा तो शिक्षा जो बच्चे पढ़ेंगे वह कभी सुधार होने की संभावना नहीं हो पाएगी, इसलिए आप इस पर आप ज़रूर एक्शन लें। ये आप नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो क्या ये बिहार सरकार बात की थी कि जो आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी नियुक्ति पक्की है? बिहार सरकार का लाइव वीडियो है, बिहार के सारे पेपर का हेडलाइन है, आप देख भी सकते हैं, शायद आपके भी न्यूज पर चला होगा या आया होगा। उस शिक्षा मंत्री के साथ साथ बोर्ड के अध्यक्ष भी, बोर्ड के जो सचिव थे, बोर्ड के और भी कर्मी थे, यही बोले कि उतने ही रिजल्ट दी गई, इसको कम से कम एक दर्जन बार शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं, आपको मैं प्रूफ दे दूंगा, उतना ही रिजल्ट दी गई है जितना वैकेंसी है, वैकेंसी है। तो फिर आज मेरिट और इन मेरिट का, मेरिट आउट और इन मेरिट का सवाल कहाँ से आया, और मेरिट का सवाल भी आया तो ये लड़के कहाँ चले गए? जो अभी 80% और 20% कौन है सर? 80% जो 12 मार्च को 24,598 लोग का रिजल्ट आया था उसमें 80% लोग को आज जो 2 दिन पहले कौन सा दिन था 21 जून को जो 2021 में रिजल्ट दिया गया है, मेरिट दिया गया है, उसमें 80% लड़के 12 मार्च वाले नहीं है। आखिर वे कहाँ चले गए? अगर चले भी गए तो सीट खाली होना चाहिए, फिर 24,598 ही मेरिट सीट है तो कहीं बाहर से तो लिया क्लियर हो गया, ये बाहर से क्यों लिया? तो सबसे बड़ा धांधली आप देख सकते हैं और ऐसे जो है इतने लोगों की संख्या नहीं है, ऐसे तमाम हजारों और लाखों की संख्या में बिहार के ऐसे आपको अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो कि सरकार की इस नाकामी से काफ़ी नाखुश हैं। सर इस स्थिति को आप किस रूप में देख रहे हैं? अभी विधायक लोग के पास आप लोग आए, क्या कहे विधायक जी? विधायक जी बोले कि अब जो रिजल्ट शिक्षा मंत्री जो बोले हैं कि जितना लोग का रिजल्ट हुआ है सभी का नियुक्ति पक्की है, तो आप लोग काम करिए, इसको पेड कर लेकर हम भेजते हैं, उसका प्रूफ दीजिए। ये बोले हैं तो जो बोले हैं कि जितना लोग पास हुए हैं सबका नियुक्ति पक्की है, उतना में 80% निकल कैसे गया, बाहरी कैसे आ गया, जबकि हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। जब रिजल्ट आया तो हम लोग का क्वालिफाइड था, सभी खुशी से झूम उठे, सब रिलेशन में भी बोल दिए, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद ऐसा फिर रिजल्ट आया और नॉट इन मेरिट लिस्ट आ गया, इससे हम लोग बहुत काफ़ी आहत,
बहुत लड़का ऐसा है कि सुसाइड करने का नौबत आ गया, रात भर मतलब रोया है, रात भर क्या क्या परेशानी झेला होगा मानसिक तौर पर, ये तो वही जानता है, वो लोग क्या जानेंगे। इसीलिए जितना भी फर्जी हमारे समझ से इसमें फर्जी बाहरी से सब धांधली से लगता है, हाँ सब धांधली से लोग घुसाए हैं पैसा ले। इसीलिए सबसे हम यही आग्रह करेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि पुनः रिजल्ट संशोधित करके प्रकाशित किया। सर ये देखा जाता है कि बिहार में जब तक ले आंदोलन नहीं होता है हर एक परीक्षा में धांधली होता है, घुसखोरी जम कर, उसमें भी आपको लगता है संदेह है इसमें भी? बिल्कुल सर, जब आप मेरे टेरियस स्टूडेंट को आप मौका नहीं दीजिएगा और कहिएगा कि हमारा बिहार जो कि मतलब अग्रसर है विकास की तरफ, कैसे पॉसिबल है? अच्छा ऐसे लोग जो धांधली करके शिक्षक बनते हैं वो किस तरीके शिक्षक की भूमिका निभाएंगे? वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि विद्यालय खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कोई डंडा से बच्चों की पिटाई करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कॉल लिखने आएगा कि नहीं आएगा, हाँ तो यही चीज़ है, एडुकेशन का मतलब पता होगा कि नहीं होगा। तो देखिए जब क्वालिटी ऑफ एडुकेशन जब लड़का लड़के के पास होगा तभी तो बच्चे को सिखाएगा, बाकी तो पैसे वाले जो है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और बीच में जाके बैक एंड से बैकडोर से एंट्री ले लेंगे और जाके वहाँ पर टॉप कर जाएंगे और उनकी नियुक्ति हो जाएगी, उसका सफ़र कौन करेगा? बच्चे करेंगे। अब बच्चे कौन करेंगे, क्योंकि हम लोग सरकारी विद्यालय के लिए हैं तो उनके बच्चे नहीं करेंगे, ये गरीब के बच्चे करेंगे, समझे? क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई मंत्री विधायक का बेटा नहीं पढ़ता, गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो गरीबों के साथ मतलब इस तरह का अत्याचार हो रहा है। तो ये जो है इस आवाज़ को केवल शिक्षक अभ्यर्थी न उठाए तो ही बेहतर है, इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी के साथ, क्यों सर? सबसे बड़ी समस्या आप लोग भी तो जनता के लिए लड़ रहे हैं, अगर अनक्वालिफाइड व्यक्ति जाएगा जिसके पास डिग्री है केवल दिखावे के लिए क्वालिटी नहीं है तो बच्चों को किस तरीके से वो गाइड करेगा? अब बच्चों को किस प्रकार से गाइड करेगा ये तो आपको पारदर्शिता मतलब कि बिहार में देखने को मिल गया है कि जो प्रधानाध्यापक जिस स्कूल के मैडम है या सर है उनसे संज्ञा, बिहार में जीरो की संख्या, बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल की ना है, अच्छा तो दर्जनों वीडियो आप देखे होंगे, हकीकत तो देखे होंगे, तो विशेष आपकी चर्चा मैं नहीं करूंगा और शिक्षक अभ्यर्थी साथी हैं उन सबसे भी आप राय ले सकते हैं। सर कैसे देखते हैं इसको, ऐसे लोग शिक्षा क्या काम करेंगे जब विद्यालय में जाएंगे? तो सर मैं अमन कुमार उपाध्याय स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ। सर मैं ये इतना बिहार सरकार के मैंने कहना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा ये जो हुई है ये 24599 की जो परीक्षा हुई है मैंने 37,000 सीटों पर हुई थी, तो इसको मैंने दूसरे तरीके से ये रिजल्ट कैसे मेरिट निकाल के कैसे क्या किया है, मैं तो अब तो ये कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी के पास इसका मैंने डाटा नहीं है ना वो डाटा पेश किया है, तो हम यही कहना चाहेंगे बिहार सरकार या बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव या बोर्ड के अध्यक्ष जो भी हो कि मैंने इसका मैंने बढ़िया से निकाल करके इसका निकाल बढ़िया से इसका मेरिट कैसे निकालें इसका पूरा डाटा दें हम लोग को और हम लोग का वो बहाली करें। आंदोलन सिर्फ बक्सर ही नहीं पटना आरा पूरे बिहार में ये आंदोलन चल रहा है सर, और सब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पूरा मैंने बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है, वो भारत स्तर पर चलने वाला है सर। बक्सर में हमको लग रहा है कि इतनी संख्या में केवल इतनी संख्या नहीं है सर, केवल आप जो ये संख्या देख रहे हैं 9-10 की संख्या, ये केवल उतनी संख्या नहीं है, नहीं लोग मिलने के लिए आए थे, संख्या को कट करके विधायक जी से हम लोग मिलने आए थे, हम बाकी हम अपनी बात रखने आए थे सर्किट हाउस में विधायक जी के माध्यम से कि एक ऑफिशियल आदमी हम लोगों की बातें विधानसभा सत्र में कम से कम उठाए, मगर उनके माध्यम से मालूम चला कि अभी विधानसभा सत्र स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो पत्राचार के माध्यम से हमारी बातों को पहुंचाएंगे कि भैया 25,499 कैंडिडेट जो थे वो 12 मार्च को पास हुए थे और उतने ही लिस्ट में से बच्चों को मेरिट में लाना था, लेकिन 25,499 के अलावा उसमें अलग से लड़के बैकडोर एंट्री से उसमें एंट्री हो गए हैं और हम लोग बाहर रह गए हैं, ये हमारी बात थी। और जो भी कोटिवार विषयवार आपको मेरिट लिस्ट निकालना है तो उनका एप्लीकेशन आईडी के साथ नाम के साथ रिलीज कीजिए अगर आपको डर नहीं है तो, अगर आपने सही से मेरिट बनाया है तो उसका एप्लीके यूजर आईडी के साथ नाम प्रकाशित करिए,
इसमें आप फिर डर क्यों रहे हैं? जिस वक्त हमारी एग्जाम हुआ था उस दिन उसके बाद आप लोगों ने आंसर की रिलीज किया था, तो हमारा रिस्पॉन्स शीट भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया हम लोगों के साथ कि हमने क्या जवाब दिया है, वो हम लोग खुद से देख नहीं पाए। पारदर्शिता नहीं थी, पारदर्शिता बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किए आप लोग, कौन सा फॉर्मूला लगा के नॉर्मलाइजेशन किए वो भी नहीं पता, किसी को माइनस 30 आ गया है तो किसी को 140 आ गया है रिजल्ट है। उसके बाद मान लीजिए मेरा ही 110 नंबर आ रहा था, आज के डेट में मेरा रिजल्ट है 94 नंबर, तो मेरे को घाटा हुआ ना भाई, मेरे को 20 नंबर का घाटा हुआ। तो आखिर यही सब पारदर्शिता तो है नहीं। मैं किस बेसिस पे जाकर क्लेम करूंगा कि हाँ भैया मेरे को 114 नंबर, 115 नंबर चाहे 110 नंबर आ रहा था, मैं किस बेसिस पे क्लेम करूंगा? कुछ लोग के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम लोग तो ये बात नहीं बिहार सरकार कही थी कि जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपकी नियुक्ति पक्की। हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, उसमें बकायदे लिखा हुआ था, बोला भी हुआ था, प्रूफ है, अभी मेरे पास प्रूफ भी है। सर अभी दिखा दीजिए, अभी भी दिखाएंगे। चीजों को समझिए सर, चीजों को समझिए। सीट थी 30,000। ना वो तो आपकी बात जायज है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कुछ बाहरी के लोग इसमें उतरे गए। हम आप क्या, ये तो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। ये 4 जून को भी आपको कोई हाईकोर्ट का कोई मसला था, वो आया था उसका रिजल्ट, तो वहाँ पे न्यूज 18 पे दिखा दीजिए, कैमरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये देखिए साफ साफ लिखा है कि एसटीएचई का रिजल्ट जारी, सफल अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की। तो लगता है कि सब अपवाद लोग सब बात कह रहे हैं ना जी? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात है, पक्की तो होनी ही चाहिए थी, क्योंकि संख्या टोटल सीट जो था 30,000 और कैंडिडेट पहुंचे 24,599, तो बाकी सीट तो खाली था। बिल्कुल बिल्कुल, तो खाली था तो जो रहेंगे तो वही ना शिक्षक बनेंगे, वहाँ तो नौकरी तो पक्की थी, पर किसे क्या पता था कि बैकडोर से भी एंट्री हो जाएगी।